आदि पुरुष के ट्रेलर को लेके दीपिका चिगलिया ने रखे अपने विचार, बताया किस तरीके का लगा उन्हें ये ट्रेलर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ प्रिया। हाल ही में जो है आदि पुरुष का फाइनल ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, मूवी सुर्खियों में चल रही है और अब इसकी एडवांस बुकिंग की ट्रेलर की जो टिकट है या फिर यूको मूवी की जो टिकट है वो भी बहुत जोर शोर से बिकने लगी है। इसी बीच में जब मूवी का सेकेंड ट्रेलर रिलीज हुआ था उसके बाद फिर से वो ट्रॉलर्स के निशाने में पड़ गया था। जब पहला ट्रेलर रिलीज हुआ था तो रावण को लेकर सवाल पूछे गए थे, राम को लेकर सवाल पूछे गए थे, मगर जब दूसरा ट्रेलर रिलीज हुआ दोबारा से उस सवालों का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आदि पुरुष जो है वो उसमें कुछ कुछ ऐसा दिखाया गया है जिसको फैंस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इसी बीच में जो है दीपिका चिगलिया जो कि जब टीवी पर रामायण आया करती थी उसमें सीता का किरदार निभाती थी, उन्होंने अपने विचार व्यक्त रखे हैं और बताया है किस तरीके का लगा उन्हें ये ट्रेलर। उन्होंने बताया कहीं ना कहीं कि कहानी में कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ट्रेलर को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा है, कुछ अलग सा लगने लगा है। अगर बात करें वो सीन की जहाँ पे सीता का हरण होता है, जब रावण जो है सीता का हरण करते हैं, वहाँ पे अचानक से बादल में बिजली कड़कने लगती है, मतलब आसमान में जो है बिजली कड़कने लगती है और सीता जो है रावण के वश में आके उनके पीछे पीछे चलने लग जाती है, मगर असल में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो ट्रेलर को देख के बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि जो नहीं हुई थी वो भी दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा पहले उन्होंने इसके बारे में यानी कि आदि पुरुष जैसी फिल्मों के बारे में ये भी कहा था कि जो धार्मिक फिल्में होती हैं कहीं ना कहीं इसे इसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी पड़ती है, सारा खेल इमोशंस का होता है। अगर आपके इमोशंस जो है आपके ऑडियंस तक पहुँच पाए तो फिल्म हिट हो जाती है, वरना कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करती है। ना ही केवल इतना, उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी फिल्मों में जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो भी जो मूवी है वो निशाने पे आ जाती है, और कुछ कम दिखाओगे या कुछ बदलाव करोगे तो भी मूवी की जो ऑथेंटिसिटी है या फिर जो लोग इस कहानियों को जैसा जानते हैं वैसे से कुछ अलग मिलेगा तो शायद मूवी को लोग ना एक्सेप्ट कर पाए। तो आपका क्या ओपिनियन है आदि पुरुष के ट्रेलर को लेके कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, अपने ओपिनियन को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।